शरीर में ऐसे इंसान सिखा कर करना मिलना बहुत कम होता है एंड ऐसी रिलेशन बनाए रखने में मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाया हूँ बात के लिए। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं, जिस जैसे कि मैंने कहा कि क्लीन क्लीन कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, जैसे क्लीन इंसान ये है कॉन्टेक्ट करेंगे। आई लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हमेशा रहेंगे आप सबके साथ। जैसे मैं कह रहा था कि क्लीन कंटेंट की बहुत कमी है और जरूरत है, अगर ऐसा कुछ इनके पास हो जो मेरे पास लाते हैं तो डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करूँगा। अस्मित, आप भी करीबन 17-18 साल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है मीडिया से और जर्नलिस्ट से, और क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो इस तरह मीडिया कंटेंट होता है, जिस तरह न्यूज कवरेज वगैरह होते हैं एंटरटेनमेंट में खासकर, उसके बारे में कुछ बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भाई जर्नलिस्ट से, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है मीडिया के साथ, मैं थोड़ा सा मीडिया शाय हूँ, इतना मैं पीआर वगैरह में बिलीव नहीं करता, इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से काम करते आ रहा हूँ। मेरा कोई पीआर एजेंट कभी रहा नहीं है।
माधव मूवीज का आज भव्य शुभारंभ हुआ है श्री गणेश के लिए, बिस्मिल्लाह के लिए। मैं समझता हूँ कि हम सब बड़े खुश हैं, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और माधव फिल्म के जरिए, जैसे कि अभी भाई ने बताया, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, खासकर ब्लैक एंड व्हाइट का आज ही अनाउंसमेंट भी हो गया। साफ़ सुथरा काम करने की उन्होंने ठानी है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है। कम लोग हैं लेकिन ज़रूरत बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत है, लोग कम हैं, साफ सुथरा काम करें। तो अबीर भाई को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। उनके साथ हमारे दोस्ती और पारिवारिक रिलेशन जो है पिछले 10 साल से है। बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने हमारे लिए और बहुत मज़ा आता है उनके साथ में इंटरव्यू करने में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हैं जो कलाकार को के दिल को छू जाते हैं, और कलाकार के जो दिल के जो पहलू हैं वो सब बाहर प्यार से उजागर करने का हुनर उनके पास में है, एक पत्रकार में के नाते। तो मैं अबीर भाई को बहुत बधाई देता हूँ, और उनकी टीम को जो मैं देख रहा हूँ, सबके सब यंग है, यूथ है, और इस वक्त यूथ और यंग लोगों का बोलबाला है। चाहे आप आईटी प्लेटफॉर्म पर जाइए, चाहे आप फिल्मों में जाइए, जहाँ पर भी जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत ही सक्सेस होने वाली है, क्योंकि इनके मन में, इनके तन में, इनके काम में जोश है, जुनून है, और जिसके पास में ईमानदारी हो, जिसका मेहनत हो, ईश्वर अल्लाह सबका साथ देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जी हजारों साल और हजारों प्रोजेक्ट करते रहे हर साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा हूं। कल्याण भाई, आप बोले क्या कहना चाहेंगे प्रोडक्शन हाउस के बारे में जो लॉन्च हुआ है? काफी सहयोग भी करते हैं आपको हर इवेंट पे, आप उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके बारे में व्यक्तित्व और जो जर्नलिस्ट के तौर पे किस तरह के लगे आपको? सबसे पहले अभी भाई को मेरा नमस्कार और मीडिया को मेरा नमस्कार। अभी भाई को मैंने काफ़ी सारा अवार्ड दिया है मेरे शो में, और इसलिए दिया क्योंकि वो व्यक्ति अवार्ड की विनर का लाइक है, और वो इंसान जो है एक कर्मवीर है, तो कर्मवीर की तरह काम कर रहे हैं हमारे इस मुंबई शहर में। और मैं खाली महादेव को इतने बोलना चाहता हूँ, इस इंसान को इतना ताकत दो, वो और फिल्म बनाए, और अच्छा काम करे, और हम जैसे कलाकारों को काम दे, बाकी जो कलाकार उनको भी काम दे। और साथ में मेरे साथ बैठे हैं मेरे गुरु सुनील पाल और कमाल खान, ये भगत साहब मेरे भाई, मेरी जान। इसके बाद मेरी गुरु जो आए हैं हमारे पुनीत कुमार भरद्वाज सर, वो भी यहाँ पर आए हैं। पुनीत सर का है, हाँ, थैंक यू सर गुरु जी, एंड थैंक यू बेरू जैन जी मेरी पार्टनर, और तमाम मीडिया कर्मचारी, हमारी DPIF की टीम है, दादा साहेब फाल्के हाईकोर फिल्म के हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिंदुस्तान का पहला ऐसा ये NGO है जो दादा साहेब फाल्के जी के नाम से है। तो ये दादा साहेब फाल्के जी में जितने भी हमारे NGO के मेंबर हैं, उन सभी की तरफ से, इन सभी की तरफ से आज आबिर भाई को ऑल द बेस्ट। आप करो DPIF पूरा संस्था, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा आपके साथ है। एंड थैंक यू सो मच आबिर भाई, आपकी टीम को मेरा ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू ऑल मीडिया, एंड थैंक यू मेरा और जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए उन सभी का मेरा प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। ताहिर भाई, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आबिर भाई के बारे में? प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया और आप भी निर्माता बन गए हैं, अपनी फिल्म ला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सुल्ताना, सबसे पहले आबिर भाई को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आबिर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी मीडिया वाले मित्र हैं। तो कोई भी इंसान जब किसी काम की शुरुआत करता है तो कहते हैं ना कि अगर कोई ऊपर से गिर रहा होता है तो वो खुदा की पनाह में आ जाता है, तो खुदा उसको गिरने नहीं देता है। जब इंसान अपनी कोशिश करता है तो कभी ना कभी उसकी कोशिश सक्सेस जरूर होती है। तो आबिर भाई मीडिया कर्मी बड़े अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म मेकिंग भी बहुत अच्छी करेंगे और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करेंगे, और अपने साथ साथ और भी इनके साथ में जितने भी नए पुराने सभी तरह के कलाकार जुड़े हैं उन सबका नाम होगा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और ये इसी तरह से काम करते रहे जिंदगी में, अपना पूरे वर्ल्ड में नाम करते रहे, बहुत सारी दुआएं और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। विशाल सर, आप बताइए क्या करना चाहेंगे? और राजनीति का हिस्सा है तो किस तरह से आप अपनी तरफ से सहयोग करेंगे इनको? सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश से आए हुए अबीर भाई का मैं स्वागत करता हूँ कि उत्तम विचार लेके ये माधव मूवीज के द्वारा संदीप जी हो गए, उनके सहयोगी साहिल जी और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैं
इनके ओटीपी प्लेटफॉर्म में जो वेब सीरीज के माध्यम से तीन मूवी ऑलरेडी बना चुके हैं, इनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि जो उत्तम विषय है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमने यही सोचा है कि कुछ अलग मैसेज दिया जाए, और इसीलिए हमने माधव मूवीज का प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया। तो अभी तो शुरुआत है, अभी हमने 30 मूवियाँ बनाई हैं और दो और आगे आने वाली है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे ही हम काम करते रहेंगे, और आपकी दुआ से और सब भाइयों की दुआ से हम चाहते हैं कि आगे बढ़ते जाएँ और लोगों तक अच्छे मैसेज हम पहुँचा सकें। Thank you.